आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही पावरफुल सा 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑयल शेयर करने वाली हूँ। ये जो ऑयल है आदिवासी ऑयल जैसा ही है, आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने का काम करता है। उसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा अनियन शैम्पू भी शेयर करने वाली हूँ। इस ऑयल को लगाइए, फिर उसके बाद इस शैम्पू को लगाइए। ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ करनी है। हफ्ते में एक दिन ऑयलिंग और शैम्पू करते हैं तो एक ही दिन कीजिए, 2 दिन करते हैं तो 2 दिन कीजिए, लेकिन आपको इन दोनों चीज़ों को एक साथ फॉलो करना है। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, आपके बाल जल्दी से रिग्रो भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस ना हो और आपके बाल हमेशा थिक बने रहें, बुढ़ापे तक थिक बने रहें, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। देखिए, आपने देखा होगा मेरे बालों की जो थिकनेस है वो काफी लंबे समय से ऐसी ही है। मेरे बालों की जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब जितने दिन से मैं वीडियो बना रही हूँ आपको मेरे बालों की थिकनेस सेम दिख रही होगी। जबकि जैसे जैसे आप एज करते हो आपके बालों की थिकनेस भी कम होती है। अगर आपके पास बच्चा है तो फिर बच्चा होने के बाद तो बहुत सारा हेयर लॉस होता है, लेकिन जो मेरे सिर पे आपको बाल दिख रहे हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब मैं अपने हेयर केयर पे उतना फोकस नहीं करती थी तो मेरा बहुत ज्यादा हेयर लॉस हुआ करता था। जब मैं शैम्पू करती थी ना तो सिर्फ बाल ही निकलते थे, झाग से ज्यादा मुझे बाल दिखाई देते थे। लेकिन वो सारी समस्याएं आज नहीं है, तो वो सिर्फ नेचुरल रेमेडीज की बदौलत ही है। लेकिन आपको अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखना होगा अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लग जाती है, अच्छी लग जाती है, तो आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करिएगा और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में इंटरेस्ट है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। देखिए, सबसे पहले मैं ऑयल बनाऊंगी और ये जो ऑयल है बहुत ही पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में। इसके लिए आपको एक लोहे की कढ़ाई लेनी है, इसे गैस पे रखना है। इसमें आपको सिर्फ अनियन का छिलका डालना है, अनियन का यूज़ यहाँ पे आपको नहीं करना। देखिए, अनियन के छिलके में भी उतना ही सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट और एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स होते हैं जितना कि अनियन जूस में पाया जाता है। तो अनियन का छिलका अगर आप यूज़ करते हैं जूस की जगह तो भी आपके बाल बहुत फास्टली रिग्रो करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसे हल्के आँच पे रोस्ट करना है। फिलहाल इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और यूज़ होने हैं। तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती है क्योंकि इसके अंदर एंटी हिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो आम तौर पर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन लोगों को जिन्हें एलोपीशिया की शिकायत होती है। तो ये आपके बालों को क्विकली रिग्रो करता है और बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है। तो अगर आपको लगातार हेयर लॉस होता ही जा रहा है और उसकी वजह से हेयर थिनिंग शुरू हो गई है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत कमाल की है, मतलब बस आपके काम की है ये रेमेडी। इसे कंटिन्यू यूज़ करना शुरू करिए और अपने बालों को रिग्रो करिए। देखिए, नेचुरल रेमेडीज़ के साथ ये होता है कि आपको कंसिस्टेंटली इन्हें फॉलो करना होता है। कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करेंगे अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जो अगला इन्ग्रीडियंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये है हल्दी, टर्मरिक। देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं आपके किचन में ही आपको मिल जाएंगी। हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर क्यूरक्यूमिनॉइड पाया जाता है जो कि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता जिससे कि हमारे बाल जल्दी झड़ते भी नहीं हैं और जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है, बालों को रिग्रो भी करता है क्योंकि हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी होती है। तो ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी भी बनाता है, उसके साथ साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में कमाल का होता है जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल से नए नए बाल आते हैं, बाल्डनेस, हेयर थिनिंग की शिकायत होती ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आँच पर रोस्ट करना है। पहले एक बहुत ही पावरफुल सा हमें पाउडर तैयार करना है, बेसिकली इसलिए इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आँच पर रोस्ट करना है। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट यूज़ होना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। सारी चीज़ें आपको आराम से किसी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएंगी या फिर अमेजोन से तो आराम से मिल जाएंगी। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे के रखा हुआ है, आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। तो अगला इंग्रेडिएंट जो इसमें मैंने यूज़ किया ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब बहुत ही पावरफुल हर्ब होती है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनोक्सिडिल जितनी ही पावरफुल होती है। तो अगर आप कोई नेचुरल
ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो आपके बालों को जल्दी से रिग्रो करे, हेयर थिनिंग की शिकायत को ख़त्म करे, तो आपको अपने बालों में रोज़मेरी हर्ब ज़रूर यूज़ करना चाहिए और ये आराम से मिल जाती है। रोज़मेरी हर्ब ज़रूर यूज़ करिए अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो। ये एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए कि हमें मिलता नहीं है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ऑनलाइन तो आजकल सब लोग सामान खरीद रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ख़रीद लीजिए। ऑनलाइन ये बहुत ईजिली अवेलेबल है, आपके घर पर डिलीवर हो जाएगी और आपके बालों के लिए बहुत कमाल की होती है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को मैंने धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया है। इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर हिबिस्कस का पाउडर भी यूज़ किया था। हिबिस्कस की पत्तियों को ड्राई फॉर्म में यूज़ किया था। आप चाहें तो हिबिस्कस का पाउडर, हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर आप चाहें तो हिबिस्कस की पत्तियों को सुखा के रख लीजिए और उनका यूज़ कर लीजिए। इन सारी चीज़ों को ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। पेस्ट नहीं भाई, इसका पाउडर ही बनेगा, पेस्ट थोड़ी बनेगा। तो अभी देख सकते हैं इसका मैंने पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद इसे साइड में रखते हैं। अब हम लोग पहले तो इसका ऑयल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सा अनियन शैम्पू मैं शेयर करूंगी जो आपके बालों को साफ़ भी करेगा बहुत अच्छे से। मतलब ऑयलिंग अगर आपने की है तो बहुत अच्छे से आपके बाल क्लीन हो जाएंगे, उसके साथ साथ ही आपके बालों को रिग्रो करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है कलौंजी ऑयल, क्योंकि कलौंजी ऑयल हमारे बालों को जल्दी से रिग्रो करता है। तो आपको 300 ml के बराबर या फिर 400 ml के बराबर कलौंजी ऑयल लेना है, उसमें 3-4 चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर डाल देना है। अब इसे धूप में रखिए और अच्छे से इन्फ्यूज़ कर लीजिए। जब ये अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाता है, अच्छे से इन्फ्यूज़ होने में कितना टाइम लगेगा पहले मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छे से धूप में इन्फ्यूज़ होने में इसे 10 दिन लग जाएंगे, छाँव में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो 20 दिन लग जाएंगे। इसका जो ढक्कन है ना डिब्बे का, उसको खोल के धूप में नहीं रखना है, नहीं तो बारिश होगी तो पूरा पानी चला जाएगा। तो इसीलिए उसका ढक्कन अच्छे से बंद करिए, उसके बाद धूप में रखिए। धूप की किरणों से वो बहुत अच्छे से गर्म होकर इन्फ्यूज़ हो जाता है। जब भी आपको इसे अपने बालों में लगाना है, सबसे पहले गुनगुना गर्म कर लीजिए डबल बॉयलिंग मेथड की हेल्प से इसे। फिर उसके बाद इसे पूरे स्कैल्प में लगाइए और पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। लगा के इसे ओवरनाइट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑयल ओवरनाइट छोड़ते हैं आपके बालों में वो अच्छे से वर्क करता है, मतलब ओवरनाइट ऑयलिंग करके रखना अगर आपके बालों में अच्छे से काम करता है तो ओवरनाइट छोड़िए, अदरवाइज 2 घंटे छोड़िए। क्योंकि बालों में ऑयल बहुत लंबे समय तक छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे बाल तो झड़ने लग जाते हैं अगर मैं बहुत लंबा छोड़ दूँ तो। इसीलिए मैं 2-3 घंटे ही छोड़ती हूँ, उसके बाद शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, नेचुरल शैम्पू। ये जो नेचुरल अनियन शैम्पू है, इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो बचा हुआ हमारा पाउडर है इसे एक लोहे के बर्तन में डाल देना है। लोहे के बर्तन में कोई भी हेयर मास्क बनाते हैं आप तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है, बहुत सारा नेचुरल आयरन भी आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप इस शैम्पू को बना के लगाते हैं आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। मैंने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक की हुई है, इसीलिए मैंने 10-15 रीठा लिया हुआ है। आप गिन लीजिए, आपको दिख रहा होगा रीठा साफ साफ। अगर देखिए बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो कम से कम 20-25 रीठा आपको लग जाएंगे, आपके बाल अच्छे से साफ हो जाएंगे। अगर आपने बहुत लाइट ऑयलिंग की है तो आपको 6-7 रीठे में भी काम हो जाएगा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इसमें यूज़ करना है, ये है शिकाकाई। शिकाकाई को आप पाउडर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर लीजिए। रीठा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसी तरीके से शिकाकाई भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। दोनों ही नेचुरल क्लींजर की तरह काम करते हैं, शैम्पू की तरह काम करते हैं, और इन दोनों चीज़ों के अंदर ना एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो ये हमारे स्कैल्प को एकदम साफ़ सुथरा कर देते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से ब्रीद कर पाते हैं। किसी भी तरीके का एक्यूमुलेशन है या फिर हमारे स्कैल्प में बहुत सारे डैंड्रफ हैं, तो उनको भी ख़त्म करने में ये चीज़ बहुत कमाल की होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर। जब ये जो पाउडर बनाया था मैंने, जिससे ऑयल भी बनाया, शैम्पू भी बना रही हूँ, तो उसमें मैंने हिबिस्कस की लीफ का यूज़ किया था, अभी हिबिस्कस के फ्लावर का भी यूज़ कर रही हूँ मैं। गुड़हल के फूल में बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं, हमारे बालों की एलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों को मैनेजेबल भी बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे 1-2 चम्मच के बराबर ये पाउडर भी ले लेना है हिबिस्कस का। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है भृंगराज पाउडर। भृंगराज एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की सारी समस्याओं को ख़त्म करता है, इसीलिए इसे किंग ऑफ हेयर बोलते हैं, केशराज बोलते हैं। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करता है। तो अगर आप बहुत सारी हर्ब्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते तो आप अपनी रेमेडीज़ में भृंगराज पाउडर का यूज़ ज़रूर किया करिए। देखिए आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा, आपके बाल जल्दी से रिग्रो भी करेंगे। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज़ किया ये है आंवला पाउडर, 2 चम्मच के बराबर।
आंवला हमारे बालों को काला भी बना के रखता है, बालों को रिग्रो भी करता है, उसके साथ साथ डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। अब इसमें मैंने मोरिंगा की पत्तियां डाली हुई हैं 2 चम्मच के बराबर। मोरिंगा हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड डालना है, मैंने यहाँ पे 6-7 चम्मच के बराबर डाला हुआ है फेनुग्रीक सीड। इससे इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है और फेनुग्रीक सीड के और भी बहुत सारे फायदे हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। देखिए, स्कैल्प पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए करना होता है क्योंकि हेल्दी स्कैल्प होगी तभी हमारे बाल भी हेल्दी होंगे। अनहेल्दी स्कैल्प में कभी भी हेल्दी हेयर नहीं आते, इसीलिए अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए तो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हेल्दी स्कैल्प। अभी इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। तो इसे ढक दूंगी मैं और ओवरनाइट छोड़ दूंगी। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें फूल गई हैं। अब इन्हें ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाएगा और ये ईजिली ग्राइंड होके अपना सारा एसेंस रिलीज़ कर देंगी, तो इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो फेनुग्रीक सीड है ये भी फूल गई है। जब फेनुग्रीक सीड फूलती है तो 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है। अब देखिए, इसको मैं ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छे से ग्राइंड करूंगी। मतलब एक बार अच्छे से ग्राइंड किया आपने तो फिर ग्राइंडर बंद कर दीजिए 5 या 10 मिनट के लिए। उससे क्या होता है ना कि फेनुग्रीक सीड जो है और फूल जाती है और काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी मिल जाती है शैम्पू की। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मस्टिंग क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो भी पार्टिकल्स हैं, चंक्स हैं, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। जब आप अपना हेयर वॉश करें शैम्पू लगाने के बाद तो आपके बाल अच्छे से क्लीन हो जाएं। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, बहुत ही अच्छा झाग है इसका और बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग करके रखी है तो ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस शैम्पू को लगा के कम 2.5 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो शैम्पू मैंने बनाया है, मैंने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है लेकिन मैं ठीक ठाक ऑयलिंग करती हूँ, तो ये जो शैम्पू है मैं 2 घंटे लगा के रखती हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये जो शैम्पू है इसे ही आपको यूज़ करना है ऑयलिंग करने के बाद। शैम्पू पाउडर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा शेयर किया है, आगे भी मैं शेयर करती रहूँगी क्योंकि ये जो रेमेडीज़ हैं सच में वर्क करती हैं। इन्हें खुद मैं फॉलो करती हूँ, इनका रिज़ल्ट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। अगर आप बहुत सारे केमिकल वाले शैम्पूज़, कंडीशनर, हेयर सीरम, बहुत सारे केमिकल वाले हेयर कलर, हेयर डाई या फिर जो टूल्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं तो आपके बाल ख़राब होंगे। इसीलिए जितना नेचुरल चीज़ हो सके नेचुरल चीज़ों का यूज़ करिए अपने बालों में, आपके बाल झड़ेंगे नहीं। देखिए, जब बाल झड़ते हैं ना तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आप ऐसा काम ही मत करिए जिससे आपके बाल झड़ें। हेल्दी डाइट भी आपको हमेशा रखनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि कितने दिन तक ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है, तो जब तक आपको हेल्दी हेयर चाहिए तब तक फॉलो करिएगा। जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बाल थोड़े से हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कैसे भी हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इन सारी चीज़ों को करना छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे मैं लगाऊंगी, 2-3 घंटे छोड़ूंगी, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूंगी। बालों से ऑयल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है और आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बाल रिग्रो करना शुरू करते हैं। ये आपके बालों को नया जीवन देने का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा फॉलो करिए, जब भी हफ्ते में आप ऑयलिंग करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, इसी तरीके से करिए। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही पावरफुल सी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को काला बनाने का काम करती है। ये ना इंडिगो है ना हीना है, लेकिन फिर भी आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।